जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको अपने माथे पे लिखवा लेना कि लड़ाई यूट्यूब और टिकटॉक की नहीं है, लड़ाई है कंटेंट क्रिएटर्स की कि कौन कंटेंट क्रिएटर है। तो यार लिपसिंग जो तुम करते हो ना इसको कंटेंट क्रिएटर नहीं बोलते, कंटेंट क्रिएटर उसको बोलते हैं जो कुछ क्रिएट करता है। समझ ये आया? Hey guys, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे सुरक्षित होंगे। आप सब यही सोच रहे होंगे कि उस क्लिप को हमने ऐसे प्ले क्यों किया, क्या था उस क्लिप में? मामिका दोस्तों, हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं अभी के लिए कि जो भी ये बकचोद अंकल जी बोले ना, मतलब क्या नाम है इनका, बकचोद बाबा, बट यू कॉल हिम बकचोद अंकल जी, ओके, जो भी ये बकचोद अंकल जी बोलते हैं ना, इनकी हर एक लाइन पे गौर फरमाना। स्पेशली जो इन्होंने अभी कहा है कि ये यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक नहीं है, कंटेंट क्रिएटर की बात थी, है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। तो यार तुम लोगों ने चू थोड़ा सा हकते हुए तो काफी लोगों को देखा होगा, लेकिन पहली बार इन मोहतरमा को देख लो जो मुंह से आग रही हैं। ओके ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है कि हम चाहें तो ऐसा रिलेशनशिप रख सकते हैं। तो करना, बन जाना लेस्बियन, फिर तू चाहे लिपस्टिक का डिल्डो बना चाहे खीरे का, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। भाई देखो, हम ना तो इस टाइम टिकटॉक यूट्यूब ना इस लड़की को, हम किसी को कोई सपोर्ट नहीं करने आए यहाँ पे, बस हम एक बात रखने आए जो आगे जाके आपको थोड़ी समझ में आ जाएगी। तो जो भी इस भाई साहब ने कहा, क्या आपने उस वर्डिंग पे गौर फरमाया, है ना? तो चलिए आगे और देखते हैं। आप इनडायरेक्टली ट्रांसजेंडर लोगों को अब्यूज कर रहे हो। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि वो लड़की सही है, लेकिन उसके कुछ बोले हुए पॉइंट्स सही हैं। जैसे कि यहाँ पे YouTube वर्सेस TikTok चल रहा है आजकल, है ना, लेकिन तुम लोगों को ये नहीं फील हो रहा कि इन दो की लड़ाई में एक तीसरी कम्युनिटी को बिन मतलब का अब्यूज, डिसरिस्पेक्ट मिल रहा है? हो रहा है ये सब क्योंकि ये लोग हर किसी को तू छक्का है, तू गे है करके बोल रहे हैं, और ये हमारी ही कम्युनिटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ जस्ट फॉर देयर कूलनेस, जो कि बहुत ही गलत है। और कभी किसी को लेस्बियन करके अब्यूज कर रहे हैं, तो कभी किसी को गे बोलकर अब्यूज कर रहे हैं, कभी किसी को छक्का जैसे शब्दों से हर दिन एक नया गंद पिला रहे हैं, और सिर्फ किसके कंधे पे बंदूक रख के? टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। नहीं मैडम जी, हमको पता है, हम सबको पता है कि आपके पास दिमाग नहीं, क्योंकि आपने दिमाग बेच के तो ये मेकअप और कपड़ा खरीद लिया। अबे साले अंकल जी, एक बात बताओ, चलो मान लिया हमने कि दिमाग बिकते हैं, और अगर बिकते भी हैं तो आपने क्यों नहीं अभी तक अपने लिए एक अच्छा दिमाग खरीदा, क्योंकि इस दिमाग में तो बिल्कुल टट्टी भरी हुई है। थोड़ा तो सेंस लगाते, थोड़ा तो किसी से पूछ लेते बोलने से पहले कि बोल क्या रहे हो, क्योंकि किसी भी रोस्टर ने या कैरी मिनाटी ने भी किसी भी ट्रांसजेंडर या फिर किसी भी गे का मजाक नहीं उड़ाया। ओके तो चलो दोस्तों, इनकी और इनकी मंडली की चंद लाइनें आपके सामने प्रस्तुत की जाए। तो करना, बन जाना लेस्बियन, फिर तू चाहे लिपस्टिक का डिल्डो बना चाहे खीरे का, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। भाई इसीलिए कहता हूँ, भगवान ने जो बना के भेजा भाई वही बन के रहो। मुझे लगता है मुझे कोई एंटी बकचोदी स्क्वाड बनाना पड़ेगा इन लोगों के चुत्तड़ पीटने के लिए। ऐसे तो धरती पे लड़के लड़कों से लग जाएंगे, लड़की लड़कियों से लग जाएंगी, भाई इंसान का वंश खत्म हो जाएगा, भाई कहां से पैदा होंगे? अरे दीदी, माना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको अधिकार दिया है, इसका मतलब ये तो नहीं ना भैया सबके सब गे बन जाए, सबके सब ये लेस्बियन बन जाए, और हम लोग बैठ के बस यहाँ पे हिलाते रहे। तो देखा आप सबने, और इसके बाद बकचोद अंकल जी ये खुद कहते हैं कि किसी भी ट्रांसजेंडर या फिर किसी भी गे का मजाक नहीं उड़ाया। हाँ, मेरे को टैग करना मत भूलना इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी मीम डालो। हाँ बकचोद अंकल जी, ये लो आपका मीम रेडी है। हम लोगों ने मजाक उनका उड़ाया जो कि लौंडे होते हैं, टिकटॉक पे लौंडिया बनते हैं। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं, तुम्हारे गार्मेंट चनूने काट रहे हैं। तो दोस्तों, मैं चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले आप एक बार ट्रांसजेंडर के बारे में देख लीजिए, तो जो स्क्रीन पे इमेज हो रही है देखिए, पूरा पढ़ लो एक बार। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जैसे कि तुम इसे ही देख लो, हाँ, और अब इनको भी देखो जरा। इसकी माँ की क्या और कौन सी मजबूरी रह गई थी जो इसको पैदा करना पड़ा?
अब ऐसे लोगों का मजाक ना उड़ाएगा तो किसका उड़ाया जाएगा। तो बकचोद अंकल जी, मजाक इनका नहीं, मजाक आपका उड़ाना चाहिए कि उस रात ऐसी क्या मजबूरी रही कि आपकी मम्मी ने आपको पैदा कर दिया। और बिना नॉलेज के तो आप हगे जा रहे हो और भाई साहब कुछ भी बके भी जा रहे हो। सीरियसली कि किसी भी रोस्टर में या कैरी मिनाटी ने भी किसी भी ट्रांसजेंडर या फिर किसी भी गे का मजाक नहीं उड़ाया। रोस्टिंग जो होती है एक एंटरटेनमेंट के लिए होती है और सार्केज्म में होती है, कुछ भी पर्सनल नहीं होता उसमें। सार्केज्म में होती है, कुछ भी पर्सनल नहीं होता उसमें। What? Sarcasm? Nothing personal? सबके सब गे बन जाएं, सबके सब ये लेस्बियन बन जाएं और हम लोग बैठ के बस यहाँ पे हिलाते रहें। अपने दिमाग बेच के तो ये मेकअप और कपड़ा लत्ता खरीद लिया। मुझे लगता है मुझे कोई एंटी बकचोदी स्क्वाड बनाना पड़ेगा इन लोगों के चुत्तड़ पीटने के लिए। ऐसे तो धरती पे लड़के लड़कों से लग जाएंगे, लड़की लड़कियों से लग जाएंगे, भाई इंसान का वंश खत्म हो जाएगा। बट कहां से पैदा होंगे? देख रही है इनका सरकैज़म? नथिंग पर्सनल। और भाई कुछ भी कहो, चूतिया की टोली जब भी मुंह खोली कुछ गंदी ही बोली। अबे बोसड़ पप्पू, साफ साफ उसमें नफरत झलक रही है तुम्हारी। और भाई हाँ, सरकाज़म की ना तुमने सही में भाई साहब। और इसके बाद बकचोद अंकल जी ये खुद कहते हैं कि किसी भी रोस्टर में या कैरी मिनाटी ने भी किसी भी ट्रांसजेंडर या फिर किसी भी गे का मजाक नहीं उड़ाया। हाँ हाँ भाई, आपने मजाक क्या उड़ाया, आपने तो सीधा सीधा इंसल्ट किया। और आपकी गधे जैसी शक्ल वाला दोस्त लक्ष्य चौधरी, वो तो सीधा सीधा बोल रहा है कि चुत्तड़ पिटवाएगा। और वो नीला अजीब सा इंसान, नीला नमूना, हाँ वो नीला नमूना बोल रहा है कि भाई क्या कि लेस्बियन और गे बन गए सब लोग तो हम जैसे क्या। मतलब भाई सच बोल रही हूँ, अगर ऐसी सोच लेकर आगे बढ़े ना तो लड़की छोड़ो, गली की कुतिया तक घास न डालेगी तुम्हें। हाँ तब तो ऐसा हाल हो गया कि भाई दो तालियां भी मार दो मच्छर मारने के लिए तो घर वालों को लगता है कहीं लौंडा बिगड़ तो नहीं गया, टिकटॉक तो नहीं बनाने लग गया, छक्का तो नहीं बन गया। इसका मतलब तो बकचोद अंकल जी, आपकी मम्मी को तो ये अवश्य देखना चाहिए। खट्टा खट्टा खाने का मन कर। और भाई इस महान व्यक्ति की भी बात करेंगे। अबे भाई मैं तेरे को बताता हूँ कि तेरे को खट्टा खाने का मन क्यों कर रहा है, क्योंकि तुझे पता है टिकटॉक और यूट्यूब चल रहा है और सारे यूट्यूबर्स मिलकर तुम लोग को ऐसे चोद रहे हैं, ऐसे चोद रहे हैं कि क्या बात। नोटिस किया तुमने कुछ? अभी अंकल जी बोल रहा था, सॉरी बकचोद अंकल जी बोल रहा था, जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको अपने माथे पे लिखवा लेना कि लड़ाई यूट्यूब और टिकटॉक की नहीं है, लड़ाई है कंटेंट क्रिएटर्स की, कि कौन कंटेंट क्रिएटर है। और अभी ये बकचोद अंकल जी देखो क्या बकचोदी कर रहा है, टिकटॉक और यूट्यूब चल रहा है और सारे यूट्यूबर्स मिलकर तुम लोग को ऐसे चोद रहे हैं कि क्या बताऊं। तो भाई एक काम कर, जाके प्रेगनेंसी किट लेके और देख ले कहीं प्रेगनेंट तो नहीं हो गया। तू हो गई, हो गया क्या है बे साले? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे गांव में चनूने काट रहे हैं। अब आते हैं सनी लियोन ने दीपक कलाल जैसे कई नमूनों पे, जिनकी वजह से जगह जगह में LGBT कम्युनिटी को लोग डिसरिस्पेक्ट करते हैं। तो भाई तुम्हारी सो कॉल्ड पॉपुलर होने की चुल की वजह से तुम्हें पता है हम लोगों को कितना सहना पड़ रहा है? तुम्हें नहीं लगता कि यार तुम क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हो, क्यों, क्या मिल रहा है उससे? हेलो गाइज, आई एम सनी लियोनी, मैं ये खा रहा हूँ, मैं वो खा रहा हूँ, दीपक कलाल उफ मेरी अदाएं। तो भाई मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि भाई सारे ऐसे नहीं होते, कुछ नमूने हैं जो ऐसे होते हैं, लेकिन इसकी वजह से आप सबको जज नहीं कर सकते। दोनों क्यों इंडिया में छक्का वर्ड को एक गाली की तरह ट्रीट किया जाता है? गे इक्वल्स टू छक्का, क्रॉस ड्रेसर इक्वल टू छक्का, लड़का कुक करे इक्वल्स टू छक्का, लड़का अगर मेकअप आर्टिस्ट अपनी मेकअप स्किल्स दिखा रहा है सोशल मीडिया पे इक्वल्स टू छक्का, लड़का अगर टैलेंटेड है, बेली डांसर है तो वो छक्का है क्योंकि वो अपनी कमल लचका रहा है। I don't know what's wrong with you people। भाई लड़का चाहे लड़के को चूज करे या लड़की चाहे लड़की को चूज करे, और वो चाहे जैसे भी कपड़े पहने यार, अगर लड़की लड़के के कपड़े पहनती है या लड़का लड़की के कपड़े पहनता है तो इसमें हम बोलने वाले कोई नहीं होते यार, क्योंकि कपड़ों पे कभी लिखा नहीं होता कि ये सिर्फ लड़कों के लिए बना है या ये सिर्फ लड़कियों के लिए बना है। और अगर इसे लड़की पहनेगी तो वो इल्लीगल है, लड़का पहनेगा तो इल्लीगल है, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। भाई अपनी सोच बदलो,
क्योंकि ताली पीटने वाले को छक्का नहीं बोलते, जो ऐसी घटिया सोच रखते हैं ना उन लोगों को छक्का कहा जाता है। तो आज से ना छक्के की एक न्यू डेफिनेशन अपने दिमाग में बिठा लो, जिसकी ऐसी घटिया सोच वो छक्का, ना कि ये छक्का। जो लड़कियों पे हाथ उठाए वो छक्का, जो रेप करे वो छक्का, और भाई ऐसे चूतिया आप लोग ही छक्के, और छक्के की न्यू डेफिनेशन में यही आएंगे, ना कि ये। तो और दिमाग में बिठा लो। और हाँ, जिनको तुम लोग छक्के बोलकर अब्यूज करते हो ना, उनकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि वो क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किसको चूज करते हैं। इसमें बोलने वाले आप मैं कोई नहीं होते दोस्तों। वैसे आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो श्री गौरी सावंत जी को जानते हैं? और वैसे नहीं जानते तो मैं बता दूं, ये वही गौरी सावंत जी हैं जिन्होंने एक सेक्स वर्कर की बेटी को अडॉप्ट करके उसको एक अच्छी लाइफ दी, सिर्फ ये सोचकर कि कहीं वो लड़की सेक्स वर्कर की बेटी कहीं सेक्स वर्कर ना बन जाए। और ऐसी एक लड़की नहीं, ऐसी हजारों लड़कियां हैं जो उन्होंने अडॉप्ट की हैं, और उनके लिए आची के घर घर के नाम से एक जगह खोली है जहां पे वो सारी लड़कियां सेफ रहती हैं। और एक सबसे अच्छी बात बताऊं इस चीज में, मैं आपको शर्म आ जाएगी जो लोग छक्का शब्द यूज करते हैं, कि हाँ दोस्तों वो एक ट्रांसजेंडर है जिसको आप लोग ये बोलते हो। पर इस चीज ने ना ये चीज डिजर्व की है जो कि तुम कभी नहीं कर सकते। तो आज से ना अपनी सोच को छक्का बोलना किसी इसको बोलना, क्योंकि ये तो हमारे लिए एक नॉर्मल इंसान है, हमारे लिए इंसान इंसान है, और वो इंसान है जो भगवान से कम नहीं है, जिसने इतना बड़ा काम किया है। देखो यार, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम गे को गे बोलो, लेस्बियन को लेस्बियन बोलो, ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये हमारी सेक्सुअलिटी है और हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। बट आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इन सब शब्दों को ना आप गाली की तरह यूज मत करो यार। और अगर अभी भी आप लोगों के दिमाग में कुछ ना गुस्सा हो और वही वाली घटिया सोच हो, तो प्लीज़ अपनी इस गंदी सोच को एक कागज में लिखिए और उसकी एक टाइट सी बत्ती बनाइए और अपनी गाड़ी के अंदर जितना अंदर तक डाल सकते हैं डाल दीजिए, ये घटिया सोच कभी बाहर ना आए। शुक्रिया। तो गाइज, आज वीडियो का एंड यही होता है, और देखो हम आपसे यही कहते हैं आज की, आज इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। बस हम आपसे आज इतनी सी बात करेंगे कि इस वीडियो को जितना हो सके ना आप शेयर कर दो, ताकि ऐसे लोगों की सोच पे थोड़ा सा फर्क पड़े और उनकी सोच पे थोड़ा सुधार आए। और गाइज, हमारी किसी से पर्सनल हेट नहीं है, बस बात इतनी सी है कि ये टिकटॉक वर्सेस जो भी तुम्हारा चल रहा है, इसमें सबसे ज्यादा जो कम्युनिटी पिस रही है वो है एलजीबीटी कम्युनिटी, क्योंकि तुम हर छोटी सी चीज में उनको गाली दे रहे हो। उनको गाली देके क्या होगा, तुम उन लोगों को गाली दो ना जो जानबूझ के ये सब कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि तुम सनी लियोनी को कुछ ना बोलो, पर इसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को मत लाओ। हम नहीं कह रहे कि तुम ये जो भी फेसबुक जो भी ये हरकतें करते हैं इनको कुछ ना बोलो, हमें पता है ये पॉपुलर होने के लिए कर रहे हैं, आप करो। पर आपको ये पता है कि हमारी कम्युनिटी में से तुम्हारे कितने फैंस हैं जो तुम्हारी वीडियोस देखना बहुत पसंद करते हैं, और आप लेकिन को गालियां देते हो, जब तुम लोग उन्हीं को बोल देते हो ना यार, तो अंदर से ना दिल टूट जाता है। तो बस इतना सा ये है कि तुम्हारे फॉलोअर्स वो भी हैं, तो उनकी भी थोड़ी रिस्पेक्ट करो और उनको देखते हुए कुछ बोलो यार। मजाक करने के लिए बहुत है, रोस्टिंग करने के लिए बहुत है, किसी को ऐसे पर्सनल जाना गलत बात है।